बिहार जिले के सरदारपुर के तत्कालीन SDM बोंदर सिंह कलेश को सरदारपुर सिविल न्यायालय द्वारा कोर्ट की अवमानना करने पर 3 माह की सिविल जेल के आदेश जारी किए। यह आदेश द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सरदारपुर ने जारी किए। मामला राजगढ़ में मकान तोड़ने का। बोंदर सिंह कलेश वर्तमान में खरगोन जिले के भीकनगांव में SDM के पद पर पदस्थ हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा भी इसी मामले में SDM कलेश पर 25,000 रुपए जुर्माना किया गया है। बोंदर सिंह कलेश ने सरदारपुर SDM रहते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा बताते हुए एक बुजुर्ग का मकान तोड़ दिया था, जिसके खिलाफ पीड़ित परिवार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए रिट पिटीशन दाखिल की थी। धार से साबिर खान की रिपोर्ट। ये बोंदर सिंह कलेश जो थे ये SDM सरदारपुर थे और इन्होंने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के प्रशासनिक स्तर से हटकर भी एक व्यक्ति जो राजगढ़ के थे, उनका वृद्ध व्यक्ति थे, उनके मकान का कुछ भाग क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि उनके विरुद्ध शासन के विरुद्ध दावा लगा हुआ था न्यायालय में और उसमें सिविल न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया था। उसके बावजूद भी उन्होंने जाकर के विदाउट ज्यूरिडिक्शन भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई उस प्रार्थी मनोहर जी की ओर से की गई थी और उसमें जो है माननीय न्यायालय ने न्यायालय की आज्ञा का उल्लंघन पाते हुए 3 महीने की सिविल जेल का आदेश प्रदान किया। आपका नाम बता दीजिएगा। सुरेश राजपुरोहित, एडवोकेट धार। दरअसल मेरे क्लाइंट जो है मनोहर लाल जी, वो 90 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट हैं और राजगढ़ में उनका एक मकान था जिसको इलीगल तरीके से ज्यूरिडिक्शन के बाहर जाके और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तत्कालीन SDM ने उनके मकान को तोड़ने के ऑर्डर पास करे थे और उसमें सिविल कोर्ट का स्टे भी था और ऑर्डर पास करने की उनको इंटाइटल नहीं थे ऑर्डर पास करने के लिए। उसके बाद भी उन्होंने मकान तोड़ा ऑर्डर पास करके और मकान परमिशन ऑफ म्यूनसिपालिटी से बना था हमारे क्लाइंट का। हमने हाई कोर्ट में उस ऑर्डर के अगेंस्ट चैलेंज करा था और हाई कोर्ट ने पाया कि जो ऑर्डर SDM साहब ने पास किया है वो टोटली इलीगल है और उस ऑर्डर को पास करने में इतनी जल्दबाजी की गई है कि उससे लगता है कोई एक्स्ट्रा कंसिडरेशन भी उनका हो सकता है, ऐसा हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में होल्ड करा। 25,000 रुपये कॉस्ट भी SDM के ऊपर लगाई है और धार कलेक्टर को आदेशित किया है कि वो कलेश के ऊपर जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट करें कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, उनके ऑर्डर्स को क्वेश कराएं। इसी दौरान जो उन्होंने अपने ऑर्डर पास करे थे मकान तोड़ने के, उस संबंध में हमने प्राइवेट परिवार भी सरदारपुर न्यायालय में पेश करी है, जिसमें सरदारपुर न्यायालय महेंद्र सिंह महेशन साहब की कोर्ट से 420, 467, 468, 471, 472 का संज्ञान में कोर्ट ने लेके उनके खिलाफ जमानती वारंट इशू कर दिए हैं। आपका नाम बताएं। अंशुल राजपुरोहित। Subscribe now to most exciting channel ever.